इंडोज टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का मैं गुर इकबाल सिंह स्वागत करदा। सब तो पहला निगाह मारदे हां सुर्खियों वल। किसानों की पंजाब सरकार के मंत्रियों नाल हुई अमृतसर विच अहम बैठक, मीटिंग दौरान किए गए कई अहम फैसले। नाभा च श्रोमणी अकाली दल वालों 2 नवंबर साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ दिता जाएगा रोस धरना। नाभा पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा ने दी जानकारी। आलू मंडी विच बहुमंजिला गैर कानूनी निर्माण से कार्रवाई करन पहुंची AMTP विभाग की टीम। बिना कार्रवाई करे परती AMTP विभाग की टीम। हुण करदे आं इन्हां खबरां दी तफसील। पंजाब दे किसानां वल्लों लगातार आर्डिनेंस बिलां दा कानून बनन तों बाद ही विरोध किया जा रहा है, जिस तों बाद अज अमृतसर दे विच किसानां दी अते पंजाब सरकार दे मंत्रियों की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई तरह के फैसले लए गए। इस मौके गलबात करदिया किसान सरवण सिंह पंदेर ने दस्या कि पंजाब सरकार दे मंत्रियों ने उन्होंने भरोसा दवाया कि जो पिछले समय विच उन्हां ते परचे किए गए ने उह रद्द करवाए जाणगे। ते नाल ही सरवण सिंह पंदेर ने कहा कि 5 नवंबर नूं जो भारत बंद की कॉल दी गई है उस नूं असीं पूरी तरह समर्थन करांगे ते भारत बंद करके रहांगे। ठीक है जी, ये लिखती एजेंडा जिहड़ा वा ये असीं लिखती सरकार नूं पहलो 2 घंटे DC नूं IG नूं भेज दिता सीगा, उह वा उहदे ते दी मीटिंग होई आ। ये एजेंडे दे विच इक हैगा वी जिहड़ियां पंजाब सरकार ने मंगा साडे को मन लईआं सीगियां उह मन्नीआं होईआं मंगा नूं लागू करनगे। उहदे च खुदकुशी वाले केस आ, ठीक है जी, उहदे जिहड़े चैक लए होए उह केस आ, उहदे च गन्ने दा बकाया वा, मिलां चलण वाली गल आ, शहीद परिवारां नूं नौकरी देण वाली गल आ, उहदे च जिहड़े पुलिस दे जां RPF जिहड़े केस लै साडे ते पाए आ उह वापस लैण, दिवाली तक कहिंदे सारे वापस लैणगे। ये सारे मंगा ते उन्हां कहा भी जड़ियां असी पंजाब सरकार ने पहलों तुहाडे को मन लईआं वा असी उन्हूं पूरी तरह इंप्लीमेंटेशन करांगे। हाँ, सरकार भजदी आ, भजदियां हुंदियां, साडे को उहदे लई ऑप्शन सिखर सदी खुली हुई आ। बाकी साडे वड्डे तरा सीगे भी सैक्शन 11 दे विच जिहड़ा पंजाब असैंबली ने मता पास किया वा उह असी मनदे नहीं हैगे, उहनूं रद्द किया जे लिख के कल तक असी नहीं मनदे हैगे। हाँ, जे पंजाब सरकार कहिंदी आ भी साडा पॉइंट ऑफ व्यू तुहाडे नाल ठीक आ ते पंजाब सरकार दा अटॉर्नी जनरल ते साडे वकील भी बह के डिस्कस कर लैने भी किन्ना दा पॉइंट ऑफ व्यू, उहदे लई 3 नवंबर 2:30 बजे जिहड़े उहनां दे आई कह रहे उहनां दे कोई दफ्तर 2 सैक्टर 'च हैगा कानूनदान दा, उत्थे बह के असीं मीटिंग करांगे उहदे 'च अगला फैसला। उह असीं कहा भी जिहड़ियां मन्नीआं होईआं मंगां CM साहब नाल मीटिंग करा के उहदी हल कराओ, उह कह रहे भी ठीक असीं CM साहब नाल भी 3 वाली मीटिंग दुआ तुहानूं मीटिंग दवा देंगे। बाकी जिहड़ी पंजाब सरकार दी रिक्वेस्ट आई आ भी जिहड़ा केंद्र सरकार बहाना बना रही आ, रेल ट्रैक तां खुल्ले आ कोई मसला नहीं है, पर वो बहाना बना के माल गड्डियां रोक रहे हैं। दूजे पासे पंजाब सरकार दे मंत्री सुखी रंधावा ने दस्या कि अज उन्हां दी किसानां नाल गलबात होई ते उन्हां ने किसानां नूं विश्वास दिवाया कि पंजाब सरकार किसानां दे नाल खड़ी है। उन्हां ने कहा कि पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब दे 115 MLA नूं देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं मिलण जा रहे ने। अगर श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हां नूं टाइम ना दिता तां उह प्रधानमंत्री दे सैकटरी नूं इक मंग पत्र देणगे। मीटिंग जी स्टार्ट हुई सी 4 बजे, कल भी साड़ी किसान यूनियन से मीटिंग हुई और आज फिर उस जी कैप्टन साहब ने कमेटी मिनिस्टर्स की बनाई, असी तिने इत्थे अपने अपने इलाके से सी और डिसाइड होया कि तुसी जाके उन्होंने चंडीगढ़ बुलाने की बजाय अमृतसर उन्होंने नाल मीटिंग कर ली जाए। मीटिंग असी की उन्होंने नाल, उन्होंने अपनिया डिमांड्स जिहड़ियां रखियां ने जिहड़ियां करंट भी ते पास्ट भी ने वो सारा कुछ उन्होंने नाल डिस्कशन की और उन्होंने एक एक मुद्दे के उत्ते जिहड़ा जिहड़ा उन्होंने पॉइंट वाइज उन्होंने नाल साडे कोल 1.5 घंटा मीटिंग चली है और उन्होंने तकरीबन जिहड़ियां डिमांड्स ने साडे MKBS उहदे च एडजस्टमेंट जिहड़ी आ उहनूं कीती आ ते नाल ही उन्होंने ये एक अपील की गई है कि जिहड़ा एक सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बहाना लाउंदी आ कि पंजाब के जिहड़े ट्रैक ने उन्होंने क्लीयर किया जाए तो असी ये भी दिल्ली गवर्नमेंट दे लई ये चीज़ ना करिए कि एक ट्रैक के उत्ते जे बैठे कोई तो वो ट्रैक का आपां बहाना ना उन्होंने दिता जाए। और उन्होंने आख्या कि कल असी अपनी कमेटी की मीटिंग बुला लें, तुहानू कल 2 बजे तक बिल्कुल क्लीयर कर देंगे कि असी की करना जी जी गल्लां जिहड़ियां होईयां बड़ी पॉजिटिव और वधिया तरीके की कीतियां गईयां। 64 करोड़ रुपए के वजीफे घुटाले को लैके श्रोमणी अकाली दल के वलों लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरिया जा रहा है। 2 नवंबर नाभा विखे श्रोमणी अकाली दल वलों पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल की अगवाई विशाल धरना लगा के कैबिनेट मंत्री
साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ विशाल रोस धरना दिता जाएगा, जिसके तहत श्रोमणी अकाली दल के वर्करां विच जोश भरन लई साबका कैबिनेट मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा भी नाभा पहुंचे। इस मौके सुरजीत रखड़ा ने कहा कि वजीफे घोटाले को लेकर मंत्री धर्मसोत के खिलाफ 2 नवंबर को नाभा विच इतिहासक रैली की जाएगी, जो कांग्रेस सरकार दी जड़ा हिला के रख देवेगी। केंद्र सरकार दे वल्लों नवा फरमान पराली नूं अग लगाउण दे मुद्दे नूं लै के 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ते 5 साल की सज़ा ते सुरजीत रखड़ा ने केंद्र सरकार ते तंज कसदिया कहा कि केड़ा किसान है जिसके कोल 1 करोड़ रुपया जुर्माना भरन वास्ते होवेगा। जुर्माना भरन वास्ते तां अडानी अंबानिया दे कोल भी 1 करोड़ रुपया नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार पंजाब विच तानाशाही रवैया अपना रही है। किसानी मुद्दे नूं लै के सुरजीत रखड़ा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अते कैप्टन सरकार आपस दे विच रले हुए ने। देखो साढ़ा 2 तरीक न प्रोटेस्ट है, धरना है, रोस है कि जेडे गरीब बच्चे लखा की तादाद के बच्चे पढ़ते सी अज उन्हों का फ्यूचर खराब करता सरकार ने। आप 64 करोड़ का घपला कह रहे हैं, ये 100 करोड़ का घपला है। ये सरकार जदों की भी आई है सिवाय स्कैंडल तो होर कोई गल नहीं। तुहानू याद होना है कि जदों इलैक्शन तो पहला कैप्टन साहब ने बहुत ही सौहा खा के गुरद्वारा साहब कहीं हाथ रख के कि मैं नशा तो 4 हफ्ते के खत्म कर दूँगा, मैं जिन्ना किसानों का कर्जा है चाहे आड़तियों का होवे, चाहे कोऑपरेट बैंक का होवे, चाहे कमर्शियल बैंक का होवे, वह मैं मोड़ूंगा, मेरी सरकार मोड़ूगी, तो हर घर के नौकरी दूंगा। अज तुम जिन्ने मर्जी बच्चे देख रहे मिलने जंग मुंडे मिलने पुलिस च मिलने थानू सिविल च मिलने सारे श्रोमणी अकाली दल के टाइम के भर्ती हुई है, उस तो बाद एक भी भर्ती नहीं हुई है। तो जिहड़े मेले लाए ने मेलों के किसी 5 हज़ार के किसी 7 हज़ार के नौकरियों की गल कर रहे हैं लोग, उत्थे अपॉइंटमेंट लिए कोई MBA है, कोई PhD है, कोई कुछ है, उन्होंने 5-7 हज़ार नौकरियाँ गल कर लिया, वो तो दुगले पैसे सहारी सिंह तो दवा देने भी जरा बंदा रख लिया घट्टो घट्ट 15 हज़ार का दे 20 हज़ार का दे। सो बहुत बड़ा फ्राड किया जी। सारिया गल्ला करन लगीए पेंशन की गल कर लिए, आटे दाल की गल कर लिए, तो बहुत बड़िया गल्ला वाली। इस मौके श्रोमणी अकाली दल के हलका इंचार्ज बाबू कबीर दास ने कहा कि 2 नवंबर को वजीफा घोटाले को लेकर मंत्री धर्मसोत के खिलाफ नाभा में इतिहासक रैली की जाएगी, ताजो पंजाब के 1,20,000 दलित विद्यार्थियों को इंसाफ मिल सके। देखो जी 2 तरीक न रैली होने जा रही है, एक मैं समझा इतिहासक धरना होगा जिहड़ा नाभे 2 तरीक न लाया जा रहा। उहदे संबंध च साढ़े सुखबीर बादल जी ने साढ़े मानयोग प्रधान रखड़ा साहब दी सरदार हरी सिंह दी और दास दी ड्यूटी लाई है भी ऑर्गेनाइज़ करना सारिआं नूं, और असी पिंड पिंड जाके साढ़े सारे सर्कल दे प्रधान आए हुए ने, असी पिंड पिंड जाके जिहड़ा मैसेज ला रहे हैं। बहुत बड़ा जिहड़ा जिवें रखड़ा साहब ने दस्सिया भी एक जिहड़ा सीजन चल रहा उस दे बावजूद तुसीं 2 तरीक नूं देखोगे भी इत्थे जिहड़ा नाभे दीआं संगतां दा एक हड़ आया होगा और बहुत वड्डी भारी गिणती विच लोग इस धरने विच शामिल होणगे। नवजोत सिंह सिद्धू मंत्री पद अते अपने कार्यकाल के दौरान गैर कानूनी कामां दे खिलाफ डटे रहे, पर अज उन्हां दे ही चहेते कुछ सेवादार गैर कानूनी उसारी नूं लैके गुंडागर्दी कर रहे ने, जिस दी ताज़ा मिसाल अमृतसर दे विच दिखाई दित्ती। अमृतसर के GT रोड उत्ते स्थित आलू मंडी विच बहुमंजिला गैर कानूनी निर्माण उत्ते कार्रवाई करन पहुंची MTP विभाग की टीम नूं बिना कार्रवाई किते पत्तना पिया। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नायब अर्चना शर्मा MTP संजीव देवगन दे अगवाई विच पहुंची टीम उत्ते पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू दे 3 कौंसलर भारी पे। कार्रवाई की सूचना लीक होने की वजह नाल टीम दे पुज्जन वल्लों पहला ही वड्डी गिनती विच कौंसलर दे अगवाई विच लोग इकट्ठे हो गए ते टीम दा विरोध किया। तिखी बहस के बाद टीम नूं 1 घंटे बाद खाली हाथ वापस परतना पिया। दस दिए कि इस गैरकानूनी निर्माण उत्ते 17 दिन पहला कार्रवाई करने लई टीम नूं बिल्डिंग मालकां ने 10 दिनां विच अपने आप ही गैरकानूनी उसारी नूं गिराउण दा भरोसा दिता सी, पर 17 दिन लंघण तो बाद भी उन्हां ने कुछ नहीं किया। इस मामले संबंधी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अमृतसर चेयरमैन दिनेश बसी ने कहा कि जेकर पिछले समय गलत तरीके नाल इमारत खड़ी कर दी गई है तो उसनू ढाउण की बजाय उन्होंने जुर्माना ला के मामला रफा दफा करना चाहिए। टीम गई थी जी GT रोड से आलू मंडी लागे नजायज़ जी इमारत
ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹਣੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਹੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਢਾਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੈਨਲਟੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜੜੇਪੇ ਲਈ ਆਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਖੂਨ ਵਗਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 26 ਸਾਲਾ ਆਰਤੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗਾਇਨੀ ਪਾਰਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਰਤੀ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਧੀ ਰੋਗੀ ਸੀ। ਸਟਾਫ ਨੇ ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ 'ਚ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਆਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ANM ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਨਸਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਰਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਰਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ 3 ਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। 10-10 ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ? ਕੱਲ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੈਂਚੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਤਾਂ ਮੁਝੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਲਗਾ ਕਿ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ। ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਹੀ ਕੈਂਚੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਔਰ ਹਾਥ ਵਗੈਰਾ ਡਰ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੁਝੇ ਤਾਂ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਮਤ ਕਰੋ ਦੀਦੀ, ਹਮਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਬ ਆਏ ਹੈ, ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਆ ਥਾ ਤਬ ਆਏ ਦੁਬਾਰਾ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਆ ਥਾ ਸੁਬਹ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਔਰ ਮੰਮੀ ਇਸ ਬਾਤ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਉਨਕੋ ਲੜ ਰਹੇ ਥੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਸ ਚਿੱਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਉਨਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਜੇਲ ਮੇਂ ਡਾਲੇਂਗੇ, ਉਤਾਰੋ ਇਸਕੋ, ਇਸਕਾ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਹਤੇ ਨਿਕਾਲੋ ਇਸਕੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਉਠ, ਉਸਕੇ ਹਮਾਰੀ ਲੜਕੀ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਉਨ ਲੋਗੋ ਨੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਿਸੇ ਔਰ ਕੋ, ਔਰ ਮੰਮੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੀਏ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੇ ਦੀਏ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਯਹਾਂ ਆਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਮ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਉਨ ਲੋਗੋ ਨੇ ਮਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਇਤਨਾ ਹਾਥ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਹਮ ਕਹਤੇ ਮਤ ਕਰੋ ਮਤ ਕਰੋ, ਮਾਨਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੈਂਚੀ ਵੀ ਲਗਾਏ ਔਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਯਹਾਂ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਏ, ਆਪ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰਤੀ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਏ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਨੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਆਰਤੀ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ SMO ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਸਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਨਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਦੀ ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, SMO ਇੰਚਾਰਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸਰ, ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੁੱਛੇਗਾ ਮਾਮਲਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਰੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਟਪੈਕਟਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀਅਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਟਪੈਕਟਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਪੀਜ਼ੀਓਟਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ,
एपीजियोटमी जो मैं पंजाबी कह जो नॉर्मल डिलीवरी होंगी आ तो जे वो बच्चा निकलने में मुश्किल कोई आँदी हो दो दिन जोड़े है वो अभी थोड़ी जी जगह बनाई जाती है ताकि वह बच्चे की जी है वो रस्ता एदा सौखा बन जाए तो मुड़ के उस जगह जोड़ा है वो दो दिन टांके ला के स्टिच कर दिता जाता जिन्हों के एपीजियोटमी कहते हैं। कोरोना काल के दौरान पूरे संसार में आर्थिक मंदी का दौर विखाई दे रहा है अजिहे छोटे व्यापारी तो लैके वड्डे व्यापारी तक इसका असर देखने को मिले हुण भारत में त्यौहारों के सीजन वेखते हुए छोटे व्यापारियों में एक आस उठी है कि उन्हों का भी कामकार चलेगा यह लोग खुशहाल होंगे। गल करते हैं दिवाली उत्ते सब तो अहम भूमिका निभाने वाले दीव्या की जो कि लोग दिवाली के त्यौहार उत्ते वड्डे वड्डे उत्साह नाल इसकी खरीददारी करते हैं अते जलाउंदे हैं। अमृतसर के हकीमा गेट में 500 के करीब परिवार दीवे बनाउण दा काम करते हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल इन्हां दा दीव्यां दा व्यापार इस साल सही साबित नहीं हो रहा। दीवे बनाउण दे कारीगरां दा कहना है कि मिट्टी महंगी आ रही है ते दीवे वेचण वेले पिछले साल नालों सस्ते हो गए ने अजिहे विच थोड़ी परेशानी दा सामना तां करना पै रहा है क्योंकि देश विच कोरोना काल दे दौरान लोकां दे बिजनेस बंद होण दी वजह नाल लोक घट खरीदारी कर रहे ने। कारीगरां वल्लों चंगे कलर दे नाल दीवे बनाए जा रहे ने ताकि आकर्षित होण दे कारण इन्हां दा दीवे दा कामकाज वधिया चले ते लोक उन्हां नूं पसंद कर खरीदारी करन। पर कोरोना दा असर हुण दिवाली उत्ते भी अच्छा खासा विखाई दे रहा है। सर मेरा नाम रविंदर कुमार है। रविंदर जी कदा काम करते हैं? सर मैं तो मिट्टी के जो भी आइटम है ये भी तैयार करते हैं। दिवाली का सीजन आ रहा है मिट्टी के दीवे बनाए जा रहे किन्ने के दीवे इस बार बनाए गए? सर पिछले साल नालों तो सिर्फ 50-50 है। ये ज़्यादा कि घट है जी? जाने के समझ लो कि पिछले साल 3.5 लाख बनया से इतने ऐतकी 1.5 तो 1.5 महीने क्रॉस होया। शायद की कारण की समझ लो? कारण सर कोरोना काल करके के आप हूँ ये समझ लो कि मजबूरी समझ लो कि पहलो सी कि कोरोना दे विच ना पुलिस वाले कि बाहर अंदर जान देंदे सी और इस वेले भी तो ऐतकी व्यापारी भी डरे हुए है कि साडा माल लगेगा नहीं लगेगा तो उन्होंने भी कोई रिस्पोंस नहीं दिता कि साडा माल तैयार करो या किधर भी है नहीं तो पहले वो ऑर्डर सानू गर्मियों च ही दे देंदे सी जुलाई च। इस साल करोना करके चाइना का भी जरा बहिष्कार किया गया तो चाइनीज जोड़े दीवे वो भी नहीं आने कि लगता नहीं कि ऐतकी दीवे ज़्यादा बिकन गए? सर शायद लग रहा कि सानू ऐतकी रिस्पोंस 50% ही मिलेगा पर कुछ ये भी है कि कोरोना करके ज़्यादा भीड़ भड़का भी नहीं कर देंगे इस करके। क्या नाम माता जी आपका? फूला देवी। माता जी कितनी देर से दीये का काम कर रहे हैं? आज 70 साल हो गए थे काम करते थे। हमारे बुजुर्ग भी यही काम करते थे बड़े बूढ़े। तो हाथ से दीये बनाते हैं? हाथ से बनाते हैं मशीन से बनाते हैं। अच्छा तो इस बार दीये की कमाई कैसे चल रही है? कब घट चल रही है दीवे की कमाई ऐसी नहीं है पहले जैसी। अब करना तो पड़ता ही है पेट तो पालना ही है। तो कितने का दीया बेच रहे इस बार? 5 रुपए का भी बेचते हैं। 5 रुपए का ही बिकता है बस 5 से बदने की बात से ज़्यादा दिए बने या कम बने? कम बने। कारण क्या समझते हैं? मतलब कि तो लोगों के पास पैसा नहीं तो खरीदारी कहाँ करेंगे? हम भी नहीं करेंगे भी हम भी डरते डरते बना रहे जो कोई नहीं लेगा तो हम घर में सांभ के कितने के दिन रखेंगे। तो फिर परिवार का पालन पोषण कैसे चलता है? ऐसे ही चलता है माड़ा मोटा घर बिक्री हो जाती है पालन पोषण चलता है और हमारे कौन सी नौकरी आती है। अमृतसर में बात करें तो कितने परिवार है जो दीये का काम करते? बहुत घने हैं। समाज में अजिहे कई लोग हैं जो अपने ही जिगरी दोस्तों की ठगी का शिकार होंदे हैं। अजिहा ही मामला जिला गुरदासपुर के बटाला निवासी सुखजीत सिंह नाल होया। जिगरी दोस्त मनजिंदर सिंह के कहने पर बैंक में सेविंग खाता खुलवाने की गरंटी पाई गई पर वह पाई हुई गरंटी सुखजीत सिंह लई काल उदों बन गई जदों बैंक वालों वालों बार बार सुखजीत सिंह नूं तंग परेशान करना शुरू कर दिता गया। सुखजीत सिंह ने दसा कि मनिंदर सिंह ने 2013 शेवले कंपनी की गड्डी मॉडल सेल UVA सहकारी बैंक ब्रांच अर्बन अस्टेट बटाला तो लोन करा के खरीदी सी। सुखजीत सिंह ने दसा कि जो मनिंदर सिंह ने कार खरीदी सी तो उसने उसके कोलों सेविंग खाता खुलवाण का कह के धोखे नाल गवाही पा ली सी। उसने दसा कि मनिंदर सिंह ने बैंक को लोन दिया किश्तां वापस नहीं कीतियां ते सन 2014 अपनी गड्डी अपने भरा अवतार सिंह नूं दे के विदेश चला गया। गड्डी दियां किश्तां ना जमा कराउण कारण बैंक ने केस कर दिता। जदों मनिंदर सिंह माणयोग अदालत विच पेश ना होया तां उसनूं अदालत ने भगोड़ा करार दे दिता।
मनिंदर सिंह की लोन लई कार उसका भरा अवतार सिंह उस समय तो ही चला रहा है। उस गड्डी उपर नंबर PB35S022 लगा होया। असल विच यह नंबर गड्डी उपर उक्त भरावां वालों जाली लगाया गया है, क्योंकि RTA पठानकोट वालों PB35S022 नंबर तो पठानकोट के हवलदार राज सिंह की TVS स्कूटी पैप प्लस न मिति 7 फरवरी 2013 जारी किया गया। इन्हों वालों जिथे गड्डी नूं जाली नंबर लगाया गया उत्थे ही इस नंबर की जाली RC भी तैयार की गई है। सुखजीत सिंह ने दस्सिया कि यह गड्डी कई सालों तो बैंक ते अदालत लभ रही सी, पर जाली नंबर होने कारण बैंक ते अदालत की पहुंच तो बाहर सी। सुखजीत सिंह ने दस्सिया कि अर्बन स्टेट चौंकी बटाला की पुलिस ने यह गड्डी अवतार सिंह दे अर्बन स्टेट स्थित घर तो रिकवर कर ली है। तो इस समय यह गड्डी अर्बन स्टेट चौंकी बटाला विखे लगी हुई है। और मैनूं पहलां हाल इस तरह हुई तो कहते कि सेविंग अकाउंट खुलाना है बैंक में, कहते सेविंग अकाउंट खुलाना थे आधार से। बस मैं चला गया, मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट्स लाए। कौन सा बैंक? कोऑपरेटिव बैंक अपने अर्बन स्टेट, ठीक है जी। और मैं अपने सिग्नेचर वगैरह कर देते। 156 नंबर मेरा जड़ा हैगा वा सेविंग अकाउंट खोलता गया। कुछ मेरे को सिग्नेचर भी ले गए कि चलो कोई गल नहीं, चलो मैं सिग्नेचर कोल करके तो वापस आ गया और फोटो वगैरह लिया से इन्होंने कुछ। उस तो बाद मैं तो बिल्कुल अपना उन्होंने विश्वास करके कोई गल नहीं कि किसी प्रकार की मैं अपने घर आ गया। और फिर मैं हूँ बाद पता लगा यानी कि लगभग अक्टूबर महीने मैं समन आए श्रीमती सिमरनजीत कौर अपनी सिविल जज तो। और उस बिहार तो मैं पता लगा कि ये तो मेरे बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। तो उसकी मैं चंगी तरह मैं कंप्लेंट की पहला अपने कि मनिंदर सिंह ने एक गड्डी खरीदी हुई है, गड्डी ते लोन लिया हुआ है 2013। जानकारी दिंदे जांच अधिकारी ने दस्सिया है कि मनिंदर सिंह ने साल 2013 विच सहकारी बैंक विचों लोन ते गड्डी लई सी अते साल 2014 विच गड्डी अपने भरा नूं दे के विदेश चला जांदा है। अते कोर्ट ने मनिंदर सिंह नूं पकौड़ा करार किया होया। अज अवतार सिंह दे भरा मनिंदर सिंह दे घरों गड्डी बरामद कर ली गई है ते कार्रवाई चल रही है। जो भी दोषी पाया गया उस उपर बनदी कार्रवाई की जाएगी। एक दरखास्त सानू मिली सी सुखजीत सिंह पुत्र जरनैल सिंह वासी डोला नंगल वाले ने एक दरखास्त दी सी कि इन्होंने एक कोई गड्डी मनिंदर सिंह के नाँ पर लई सी, तो गरंटर बने सके जो कि इन्हों पता नहीं कि गरंटर है। तो वो गड्डी बैंक वालों किश्तां नहीं दित्तियां गई, तो किश्तां ना देने कारण बाद गड्डी बैंकरप्ट हो गई। जिहड़े मनिंदर सिंह सीगे वह कोर्ट वालों भगौड़ा घोषित हो चुके आ, परचा भी उन्होंने 138 होया उन्हें। तो जी गड्डी सी फिलहाल जो इनफॉर्मेशन मैंने सुजीत सिंह वालों दी गई थी उसके मुताबिक ये गड्डी उन्होंने ब्रदर अवतार सिंह वरत रहे थे जो कि अर्बन स्टेट 165 नंबर कोठी के रह रहे। जो कि दोवें एक ही पिंड डोला नंगल के रहने वाले सुजीत जी तो अवतार जी दोवें एक ही पिंड रहने वाले आ। तो इस संबंध में जो भी जो गड्डी रिकवर की गई तो अं इन्हों हदायत की कि इस संबंधी मालकी तो असल दस्तावेज चौंकी आके पेश कर जो अजे तक पेश नहीं किए, तो बनती कार्रवाई की जा रही है। विजिलेंस की अगवाई में भ्रिष्टाचार विरुद्ध मनाए जा रहे जागरूकता हफ्ते तहत फाजिलका के सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल विखे भ्रिष्टाचार विरुद्ध अवेयरनैस सैमीनार का आयोजन किया गया, जिस SSP विजिलेंस गौतम सिंघम वालों विशेष तौर पर शिरकत की गई। सैमीनार विच पहुंचे स्कूली बच्चे अते नौजवानों नूं संबोधन करदे हुए विजिलेंस SSP गौतम सिंह ने कहा कि जेकर कोई भी सरकारी अधिकारी जां कर्मचारी काम दे बदले रिश्वत मंगदा है तां उसकी तुरंत सूचना विजिलेंस विभाग दे अधिकारियों नूं देनी चाहीदी है ताकि साढ़े समाज विच भ्रिष्टाचार नूं खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन्ना रिश्वत लैणा पाप है उन्ना ही रिश्वत देना भी पाप है। हर साल की तरह इस साल विजिलेंस अवेयरनैस वीक मनाया जा रहा पूरे भारत देश दे विच, जिसका मोटो है विजिलेंट इंडिया प्रॉस्परस इंडिया, चौकस भारत खुशहाल भारत। तो इस दिन साड़ी कोशिश है कि लोगों को वध तो वध दसीए कि विजिलेंस ब्यूरो जो पंजाब है वह की काम करती है, भ्रष्टाचार विरुद्ध की कार्रवाई करती है, किदां थानूं कोई भी पब्लिक सर्वेंट तुसीं जाने हो कि पब्लिक ऑफिस भी जाने हो तो थोड़े तो कोई भी पब्लिक सर्वेंट
कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी थोड़े तो कोई रिश्वत की मांग करता है तो तुम विजिलेंस ब्यूरो हर डिस्ट्रिक्ट है विजिलेंस ब्यूरो यूनिट उत्थे जाकर रिपोर्ट कर सकते हो या विजिलेंस ब्यूरो का हेल्पलाइन नंबर है 1800 1800 1000 रिपोर्ट कर सकते हो। इस मौके मीडिया नाल गल करदे DSP विजिलेंस राजकुमार शर्मा ने कहा कि 27 अक्टूबर तो 2 नवंबर तक चलन वाले इन सैमीनार चौकस भारत खुशहाल भारत तहत नौजवान ते आम लोगों नूं जागृत करते हुए जिंदगी विच रिश्वत ना लैण ते रिश्वत ना देण की सोच चुकाई गई है। यदि हरेक साल विजिलेंस अवेयरनैस जिहड़ा वीक मनाया जाता भ्रिष्टाचार विरोधी जागरूकता हफ्ता ये सारे भारत लैवल पर मनाया जाता है क्योंकि 31 तरीक न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन आता है। ये हफ्ता उन्होंने समर्पित क्योंकि वह लोह पुरश सत्ते चलन वाले सीगे हरेक साल ये मनाया जाता है। इस दे तहत ही अज दा ये प्रोग्राम कराया गया तां जो लोगों नूं भ्रिष्टाचार के विरुद्ध जागरूक किया जा सके। कोई भी अधिकारी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है किसी भी काम लिए उहदे लई विजिलेंस विभाग नूं अप्रोच की जा सकती है। असीं उस दे खिलाफ सख्त कार्रवाई करांगे सबूतों के तहत सानूं मिलिया जाए कोई भी इस तरह का भ्रिष्ट व्यक्ति है भ्रिष्ट कर्मचारी है असीं उस दे खिलाफ कार्रवाई करांगे। खेती संबंधी पास किए गए काले कानूनों का विरोध कर रहे किसानों नाल लगातार पंजाब सरकार ते केंद्र सरकार वालों मीटिंगां करन दी कोशिश की जा रही है जिस ते गल करदिआं MLA राजकुमार वेरका ने दस्सिया कि केंद्र सरकार नूं पंजाब नाल पंगा लैना महंगा पवेगा अते किसानां दे मामले ते केंद्र नूं विचार करनी पवेगी। इस मौके वेरका ने सुखबीर बादल दे आए बयान ते वेरका ने कहा कि अकाली दल दा हुण अपना कोई वजूद नहीं रहा ते कांग्रेस ते निशाना ला के अपना वजूद बरकरार करन दी कोशिश की जा रही है ते पंजाब नूं ब्लैकआउट दा खतरा सता रहा। उस बारे बोलदे होए राजकुमार वेरका ने कहा कि असीं लगातार किसानां नाल ते केंद्र सरकार नाल गल करन दी कोशिश कर रहे हैं। देखो भी गल है कि किसानां दीआं आपणीआं समस्यावां हैगीआं और मैनूं दुख है कि केंद्र दी सरकार किसानां दीआं समस्यावां नूं नहीं समझ पा रही और उन्होंने तंग परेशान करने वास्ते रोज़ नवे ऑर्डर नवे कानून लैके आ रहे हैं। हुण नवा एक कमीशन मुकर्र कर दिता कि जिहड़ा किसान हुण पराली साड़ेगा उत्ते इल्जाम लगेगा तो उन्हों असी 5 साल की सज़ा दे देंगे 1 करोड़ रुपया असी उत्ते जुर्माना भी लगा सकते हैं। मैं समझना कि ये डिक्टेटर शिप का तरीका हैगा और ये देश की सरकार लोगों की सरकार नहीं एक डिक्टेटर बन जा रही है और उन्होंने लोगों के मसले समझने पैने हैं लोगों की तकलीफ समझनी पैनी है। लेकिन पंजाब नाल पंगा भी बहुत इन्हों औखा पेगा। पंजाब ने हर कुर्बानी दी है और हर चैलेंज का कबूल किया हर चैलेंज का मुकाबला किया। असी केंद्र का यह भी चैलेंज पंजाब वाले कबूल करांगे और असी इन्हां दा हर गल का जवाब देंगे। वध रहे प्रदूषण नूं वेखदिआं केंद्र सरकार वल्लों सख्त कानून लिया के किसानां नूं सोचण लई भावें मजबूर कर दिता है पर किसान केंद्र सरकार दे फरमान नूं मनन लई तैयार नहीं जिस दी साफ उदाहरण वेखण नूं मिल रही है नाभा विखे जिथे खेतां विच किसान शरेआम झोने की पराली नूं अग लाउण लई किसे तरह का कोई डर महसूस नहीं कर रहे ने। पंजाब विच झोने की पराली के मुद्दे नूं लै के केंद्र सरकार वालों एक आर्डीनेंस बनाया गया है जिसनों देश के राष्ट्रपति वालों भी प्रवानगी दी गई है। इस आर्डीनेंस नूं सुप्रीम कोर्ट कोल केंद्र सरकार ने पेश किया है। आर्डीनेंस अनुसार जेकर कोई किसान पराली नूं अग लगा के जां उद्योगपति प्रदूषण फैलावेगा तो उसनूं 1 करोड़ रुपए जुर्माना ते 5 साल की सज़ा तय की गई है। भावें कि केंद्र सरकार वालों आर्डीनेंस बना दिता है पर नाभा शहर के किसान इस आर्डीनेंस नूं नहीं मानते और शरेआम किसान खेतों में पराली नूं अग लगा रहे ने। किसानों ने सीधी मोदी सरकार नूं चेतावनी दी है कि भावें 1 करोड़ की बजाय 10 करोड़ रुपए जुर्माना रख देण पर किसान पहला की तरह ही पराली नूं अग लगाउणगे क्योंकि सरकार वालों किसानों नूं अजे तक संद मुहैया नहीं करवाए गए। किसान करन ते की करन। इस मौके ते किसान आगू जाति सिंह अते होर किसान आगुआ ने कहा कि केंद्र सरकार नूं साडी पराली दा धुआं दिल्ली विच दिख रहा है कि वह पोल्यूशन फैला रहा है जदों कि दिल्ली विच कैमिकल फैक्ट्रियां दा धुआं वह कित्थे जांदा है मोदी नूं इह नहीं पता। सरकारां किसानां नूं पराली इकट्ठा करन दे लई संद मुहैया नहीं करवा रहीआं अते किसान महंगे भाव दे संद कित्थों लिआउण जां फिर सरकार 2500 एकड़ दे हिसाब नाल किसानां नूं मुआवजा देवे तां ही किसान पराली नूं अग लगाउणा बंद करनगे। किसान मोदी दे हुक्मां नूं नहीं मानदे क्योंकि पंजाब दा सारा किसान इक मुठ है। असीं उहनां नूं इह जवाब दित्ता है वी 1 करोड़ बजाय चाहे 10 करोड़ जुर्माना कर दे भरना तां असीं है नहीं किवें नहीं भरना भरूं कित्थों 2 किले जमीन दे 1 किला जमीन का वाते वाते 4-5 किले ने ਉਹ ਕਰੋੜ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹਨਗੇ ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ
वह कोई प्रदूषण नहीं है। दिल्ली जाके पंजांदा धुआं जमा हों, दिल्ली का भी कि कहा जाता होगा। उत्थे बंबा मुंबई बड़े बड़े शहर पे ने, दिल्ली तो कड़ा घट शहर ने, संका उ रेंदे ने अपने फिल्मी एक्टर जिन्होंने बेचारे कहते मिट्टी का देख पता भी नहीं, उत्थे धुआं जाता उन्होंने नहीं जाता है। दिल्ली का एक कैमिकल पेंदे ने जो फैक्ट्रिया च, धरती का पानी खराब करता, साडा फसल खराब कर दी, सानू कहना भी पराली का धुआं है भी 1 करोड़ जुर्माना 5 साल की सज़ा, वो सज़ा देगा नहीं, वो देऊ भी कितों, हो किमें दू कि सज़ा दे दू, जब पंजाब सारे एक पासे होया वा है वह करूगी। इस ही तरह दी होर नवीं ते ताज़ा खबरां लैके तुहाडे सामने पेश हुंदे रहांगे। सो जुड़े रहो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया नाल। धन्यवाद।